आप देख रहे हैं नेशन लाइट हर पल आपके साथ देश के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस तेरह का सफर 140 दिनों के बाद खत्म हो गया है तेरहवे सीजन के विनर बने टीवी के हैंडसम हंग सिद्धार्थ शुक्ला शनिवार को हुआ बिग बॉस तेरह का ग्रैंड फिनाले काफी भव्य था फिनाले में टॉप सिक्स कंटेंट के फैमिली फ्रेंड्स के अलावा सीजन तेरह के एक्स कंटेंट ने भी शिरकत की लेकिन बिग बॉस तेरह के चार एक्स कंटेंस्ट फिनाले नाइट से गायब दिखे बिग बॉस के फिनाले में कोयना मित्रा सिद्धार्थ डे खेजारी लाल यादव और अरहान खान नहीं पहुंचे थे सिद्धार्थ डे असम में हो रही फिल्म फेयर अवार्ड की तैयारियों में बिजी थे इसलिए वो फिनाले नाइट में नहीं आ सके होस्ट सलमान खान ने सिद्धार्थ डे से वीडियो कॉल के जरिए बात भी की थी सिद्धार्थ डे क्यों फिनाले का हिस्सा नहीं बने ये तो मालूम पड़ गया लेकिन कोयना मित्रा और अरहान खान के ना आने पर सवाल उठने लगे हैं हालांकि बिग बॉस को फॉलो करने वालों से इसकी वजह छिपी नहीं है कोयना मित्रा ने बिग बॉस से एविक्ट होने के बाद सलमान खान और मेकर्स पर सवाल उठाए थे कई बार कोयना ने ट्वीट कर सलमान खान की क्लास लगाई है संभव है कि इस बर्ताव को देखने के बाद सलमान बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोयना फिनाले का हिस्सा बने इसी वजह से कोयना को शो में बतौर वाइल्ड कार्ड भी नहीं बुलाया गया बात करें अरहान खान की तो शो में उनकी जर्नी काफी कंट्रोवर्शियल रही अरहान ने रश्मि देसाई से अपनी शादी बच्चे के बारे में छुपाया था फिर सलमान खान ने अरहान की नेशनल टीवी पर पोल खोली रिपोर्ट्स आई थी कि सलमान खान अरहान से नहीं मिलना चाहते इसलिए भी फैमिली वीक में उन्हें नहीं बुलाया गया एपिसोड में रश्मि की माँ उनका सपोर्ट करने आई थी रश्मि ने शो में अरहान से ब्रेकअप भी कर लिया है ऐसे में अरहान का फिनाले में आना सेट पर टेंशन क्रिएट कर सकता है वहीं खेसारी लाल ला... फिनाले में क्यों नहीं पहुंचे इसकी वजह अभी सामने नहीं आई है